श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 रथयात्रा के समय महाप्रभु का भाव में नृत्य। जय हो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की, जिन्होंने श्री जगन्नाथ के रथ के सामने नृत्य किया। उनके नृत्य को देखकर न केवल समस्त ब्रह्मांड विस्मित हुआ, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अतिशय चकित हुए। श्री कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद की जय हो, अद्वैत चंद्र की जय हो और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं को मेरा प्रणाम है। कृपया अब रथयात्रा उत्सव के समय श्री चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोरम है, कृपया इस पर ध्यानपूर्ण ढंग से सुने। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके निजी संगी भोर होते ही जाग उठे और सावधानी पूर्वक सुबह का स्नान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों सहित पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव के दौरान भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। राजा प्रतापरुद्र के साथ साथ उनके साथियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के सभी साथियों को पांडु विजय उत्सव को देखने की अनुमति प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके प्रमुख भक्त जैसे कि अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य भक्त ये देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभारंभ कैसे करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दैता जगन्नाथ जी की प्रतिमा को ले जाने वाले हाथी के समान शक्तिशाली थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को सिंहासन से रथ तक हाथों हाथ पहुंचाया। प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति को ले जाने के समय कुछ दैताओं ने उनके कंधों को पकड़ा और कुछ ने उनके चरण कमलों को पकड़ा। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह को कमर में बांधी मजबूत और मोटी रेशम की रस्सी से दैताओं ने दोनों ओर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। सिंहासन से लेकर रथ तक मुलायम रुई के गद्दे तुली बिछाए गए थे और भारी जगन्नाथ जी की मूर्ति को दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया था। जब दैत जगह जगह से जगन्नाथ जी के विशाल देवता को एक गद्दी से दूसरी पर ले जा रहे थे, तभी कुछ गद्दे टूट गए और उनमें भरी हुई रुई हवा में उड़ने लगी। जब वो टूटे तो उससे जबरदस्त पटाखों जैसी आवाज हुई। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। उन्हें कोई इधर से उधर ले जा सकता है, ऐसा कोई भी नहीं है। पर भगवान अपनी इच्छा से ही अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब तरह तरह के वाद्य यंत्रों से जोर जोर की आवाजें हो रही थीं और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा कह रहे थे, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं पड़ रही थी। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाया जा रहा था, तब राजा प्रतापरुद्र सड़क पर सोने के डंडे वाली झाड़ू से सफाई करने में पूरी लगन से लगे थे ताकि भगवान के निकलने का रास्ता अच्छी तरह से साफ हो। राजा ने मार्ग पर चंदन के सुगंधित जल का छिड़काव किया। हालांकि वे राज्य सिंहासन के स्वामी थे, परंतु वे भगवान जगन्नाथ के निमित्त तुच्छ सेवा में तल्लीन थे। यद्यपि राजा सर्वोच्च सम्माननीय व्यक्ति थे, फिर भी वे परमेश्वर के लिए तुच्छ सेवा कर रहे थे, अतः वे भगवान की कृपा प्राप्त करने के योग्य पात्र बन गए। राजा को ऐसी तुच्छ सेवा में लीन देखकर चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हुए, क्योंकि यह सेवा करने से ही राजा को महाप्रभु की कृपा मिल पाई। रथ देखकर हर कोई विस्मित था। यह नया सोने का बना हुआ लग रहा था। इसकी ऊंचाई सुमेरु पर्वत के बराबर थी। इस सजावट में चमकीले शीशे और सैकड़ों चामर शामिल थे। रथ के ऊपर स्वच्छ छत्र और एक बहुत ही सुंदर झंडा था। रथ को रेशमी वस्त्र तथा कई चित्रों से भी सजाया गया था। अनेक पीतल के घंटे, घड़ियाल तथा पायजेब बज रहे थे। रथयात्रा उत्सव के लिए भगवान जगन्नाथ एक रथ पर चढ़े और उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम अलग अलग दो अन्य रथों पर आरूढ़ हुए। भगवान 15 दिनों तक लक्ष्मी के साथ एकांत स्थान में रहे और उनसे रमण किया। भगवान ने महालक्ष्मी से आज्ञा लेने के बाद इस रथ पर सवार होकर भक्तों के आनंद के लिए अपनी लीलाएं करने के लिए बाहर निकले। पूरे मार्ग में फैली बारीक और सफेद बालू यमुना नदी के किनारे जैसी प्रतीत हो रही थी और दोनों ओर के छोटे छोटे बगीचे वृंदावन के बगीचों के समान लग रहे थे।
जब भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार हुए और उन्होंने दोनों ओर के सुंदर दृश्यों को देखा तो उनका मन आनंद से भर गया। रथ खींचने वाले गौड़ थे जो बड़े चाव से रथ को खींच रहे थे, परंतु कई बार रथ बहुत तेज चलता था तो कई बार बेहद धीरे। कभी रथ रुक जाता और नहीं चलता, चाहे उसे कितना भी जोर से खींचा जाए। इसलिए रथ भगवान की इच्छा से चलता था, किसी साधारण व्यक्ति के बल से नहीं। जब रथ स्थिर हो गया तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को एकत्र किया और स्वयं अपने हाथों से उन्हें फूलों की माला और चंदन से सजाया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं परमानंद पुरी और ब्रह्मानंद भारती को मालाएं और चंदन दिया। इससे उनका दिव्य आनंद और भी बढ़ गया। उसी प्रकार जब अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ तो दोनों बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने संकीर्तन करने वालों को भी मालाएं और चंदन दिया। दो मुख्य कीर्तन करने वाले थे, स्वरूप दामोदर और श्रीवास ठाकुर। कीर्तन करने वाले चारों दल मिलाकर कुल 24 थे। प्रत्येक दल के दो दो मृदंग वादक थे जिनकी संख्या 8 थी। जब चार टोलियां बन गईं, तो थोड़ी देर विचार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन करने वालों को बांट दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, हरिदास ठाकुर तथा वक्रेश्वर पंडित को निर्देश दिया कि वे चारों अलग अलग टोलियों में जाकर नाचें। स्वरूप दामोदर को पहली टोली का नेता बनाया गया और उन्हें 5 साथी भी दिए गए जो उनके कीर्तन का जवाब दोहराते। जो पांचों स्वरूप दामोदर के गाने को दोहराते थे वे थे दामोदर पंडित, नारायण, गोविंद दत्त, राघव पंडित और श्री गोविंदानंद। अद्वैत आचार्य प्रभु को नृत्य करने के लिए पहली टोली का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था। उसके बाद भगवान ने एक और टोली बनाई जिसमें श्रीवास ठाकुर मुख्य व्यक्ति थे। श्रीवास ठाकुर के गायन का साथ देने वाले 5 गायक थे, गंगादास, हरिदास, श्रीमान शुभानंद और श्री राम पंडित। श्री नित्यानंद प्रभु को नर्तक नियुक्त किया गया था। एक और टोली बनाई गई जिसमें वासुदेव, गोपीनाथ और मुरारी थे। ये सब प्रतिसाद में गाने वाले गायक थे और मुकुंद मुख्य गायक थे। इस सभा में श्रीकांत और वल्लभ सेन नामक दो अन्य व्यक्ति दोहराने वाले गवैयों के तौर पर शामिल हो गए। इस टोली में सबसे बड़े हरिदास, हरिदास ठाकुर नर्तक थे। महाप्रभु ने एक अलग गट बनाया जिसका नेतृत्व गोविंद घोष को सौंपा। इस दल में छोटा हरिदास, विष्णुदास तथा राघव जवाब देने वाले गायक थे। माधव घोष और वासुदेव घोष नाम के दो भाई भी इस समूह में शामिल हो गए जो गाने के दौरान सहायक गायक के रूप में गाने दोहराते थे। कुलीन ग्राम नाम के गांव की एक कीर्तन मंडली थी जिसमें रामानंद और सत्यराज को नर्तक के रूप में नियुक्त किया गया था। शांतिपुर की एक और टोली थी जिसे अद्वैत आचार्य ने बनाया था। अच्युत्यानंद इसके नर्तक थे और बाकी लोग गवैये थे। खंड के लोगों ने एक और टोली बनाई थी। वे लोग एक अलग जगह पर गा रहे थे। इस दल में नरहरि प्रभु और रघुनंदन नाच रहे थे। चार टोलियां भगवान जगन्नाथ के आगे गायन कर रही थी और नृत्य कर रही थी। उनके दाएं बाएं दो अन्य टोलियां थीं। पीछे भी एक टोली थी। कुल मिलाकर 7 संकीर्तन मंडलियां थीं और प्रत्येक मंडली में 2 व्यक्ति ढोल नगाड़े बजा रहे थे। इस तरह 14 ढोल नगाड़े एक साथ बज रहे थे। आवाज इतनी तेज थी कि सभी भक्त मदहोश हो गए। सारे वैष्णव बादलों के एकत्रीकरण की तरह इकट्ठे हो गए। जब भक्तों ने खूब भाव से भजन कीर्तन किया तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, मानो आंखों से बारिश हो रही हो। जब संकीर्तन का गुंज हुआ तो उससे तीनों लोक आनंदित हो गए। सच में संकीर्तन के अलावा कोई भी अन्य ध्वनि या वाद्य यंत्र का शब्द किसी को नहीं सुनाई दे रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए 7 समूहों के बीच भ्रमण कर रहे थे, हरि हरि। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने जोर से चिल्लाया, भगवान जगन्नाथ की जय। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक साथ सभी 7 टोलियों में एक ही समय पर लीलाएं करके अपनी अन्य रहस्यमय शक्ति का परिचय दिया। सभी ने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे साथ हैं।
वे कहीं और नहीं जाते, वे हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। वास्तव में कोई भी महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति देख नहीं पाया। केवल वे भक्त जो सबसे अधिक अंतरंग हैं, जो शुद्ध निष्कपट भक्ति में स्थित हैं, ही समझ पाए। जगन्नाथ जी कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कीर्तन को देखने के लिए अपने रथ को खड़ा कर दिया। राजा प्रतापरुद्र भी संकीर्तन देख के चकित हो गए। वे निष्क्रिय हो गए और कृष्ण के भाव प्रेम में डूब गए। जब राजा ने काशी मिश्र को महाप्रभु की महिमा के बारे में बताया तो काशी मिश्र ने उत्तर दिया, हे राजा, आपका भाग्य असीम है। राजा और सार्वभौम भट्टाचार्य दोनों प्रभु की लीलाओं को जानते थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु की युक्तियों को कोई और नहीं देख सकता था। उन्हें केवल वही समझ सकता है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। भगवान की कृपा के बिना ब्रह्मा जैसे देवता भी नहीं समझ सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को तुच्छ कार्य करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न थे और राजा को इस विनम्रता के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, इसलिए वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यों के रहस्य को समझ सकते थे। यद्यपि राजा को साक्षात मिलने से इनकार कर दिया गया था, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से उन पर बिना वजह दया प्रदान की गई थी। भला श्री चैतन्य महाप्रभु की आंतरिक शक्ति को कौन समझ सकता है? जब सार्वभौम भट्टाचार्य और काशी मिश्र नामक महान व्यक्तित्वों ने राजा के प्रति महाप्रभु की बिना किसी कारण की गई कृपा को देखा तो वे चकित रह गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ समय तक इसी प्रकार अपनी लीलाएं की। वे स्वयं गाते थे और अपने संगियों को नृत्य करने के लिए प्रेरित करते थे। महाप्रभु अपनी आवश्यकतानुसार कभी एक रूप में प्रकट होते तो कभी अनेक रूपों में। उनकी यह लीला उनकी आंतरिक शक्ति द्वारा संपन्न हो रही थी। भगवान अपने दिव्य लीलाओं में स्वयं को भूल गए थे, किंतु उनकी आंतरिक शक्ति, जो कि लीला शक्ति कहलाती है, प्रभु की मंशा का आभास पाकर सभी व्यवस्थाएं संभाल ली थीं। जिस तरह पूर्वकाल में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला और अन्य लीलाएं की थीं, ठीक उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु निरंतर चमत्कारपूर्ण लीलाएं करते जा रहे थे। रथयात्रा के रथ के सामने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया जा रहा नृत्य केवल शुद्ध भक्तगण ही देख सकते थे। दूसरे लोग इस बात को नहीं समझ सके। भगवान श्री कृष्ण के विलक्षण नृत्य का वर्णन श्रीमद् भागवत नामक पुस्तक में मिलता है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर्ष विभोर होकर नृत्य किया और प्रेम की लहरों में डूबकर वहां उपस्थित सभी लोगों के मन को उंगित कर दिया। इस तरह भगवान जगन्नाथ अपने रथ पर सवार हुए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को प्रोत्साहित किया कि वे रथ के आगे नाचें। आप कृपा करके वो वृतांत सुनिए, जब भगवान जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर जा रहे थे और श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के आगे नृत्य कर रहे थे। महाप्रभु ने कीर्तन किया और अपने प्रयत्नों के माध्यम से सारे भक्तों को नाचने के लिए प्रेरित किया। जब भगवान ने स्वयं को नाचने की इच्छा व्यक्त की, तब सातों टोलियां एक साथ आकर जुड़ गईं। श्रीवास, रामाई, रघु, गोविंद, मुकुंद, हरिदास, गोविंदानंद, माधव और गोविंद इत्यादि प्रभु के सब भक्तगण एकत्र हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते हुए ऊंचा कूदने का मन हुआ तो उन्होंने इन नौ लोगों को स्वरूप दामोदर के भार साधक बना दिया। ये भक्तगण स्वरूप दामोदर और उनके नियंत्रण वाले भक्त भगवान के साथ साथ गाते थे और उनके साथ साथ दौड़ते भी थे। भक्तों के अन्य समूह भी गाते थे। महाप्रभु ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और अपना मुख जगन्नाथ जी की ओर उठाया और इस प्रकार प्रार्थना की, मैं सर्व ब्राह्मणों के आराध्य ईश्वर, गाय और ब्राह्मणों के शुभचिंतक, सदा संपूर्ण जगत के हितकारी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमन करता हूँ। कृष्ण और गोविंद के नाम से विख्यात भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूँ। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो देव की पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो वृष्णि वंश के प्रकाश हैं। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जिनकी काया की चमक एक नए बादल की तरह है और जिनका शरीर कमल के फूल की तरह कोमल है। उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो,
जो संसार को अस राक्षसों के भार से मुक्ति देने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं और जो हर एक को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जननिवास है अर्थात सभी जीवों के परम आश्रय हैं और देवकी नंदन और यशोदानंदन के नाम से भी जाने जाते हैं। वे यदुवंश के मार्गदर्शक हैं और वे अपनी शक्तिशाली भुजाओं से समस्त अशुभ और अपवित्र मनुष्यों का वध करते हैं। अपनी उपस्थिति से वे सभी चीजों को नष्ट करते हैं जो गतिशील और स्थिर जीवों के लिए अशुभ हैं। उनका हंसता हुआ और आनंदित चेहरा हमेशा वृंदावन की गोपियों की कामनाओं को बढ़ाता है। वो विजयी और खुश रहें। मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय, न वैश्य, न ही शूद्र। न मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूँ। मैं तो गोपियों के स्वामी श्री कृष्ण के चरणों का दास हूँ। वो अमृत सागर के समान हैं और संसार में दिव्य सुख का कारण हैं। वो हमेशा तेजो में रहते हैं। शास्त्र के इन श्लोकों का उच्चारण करने के पश्चात भगवान ने पुनः वंदना की और सभी भक्तों ने हाथ जोड़कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति की। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बादलों से भी तेज गर्जना करते हुए और चक्र की तरह तेजी से घूमते हुए ऊंचा उछल उछल कर नाच रहे थे तो वे घूमते हुए अग्निशिखा की तरह लग रहे थे। चरण रखने पर प्रभु नृत्य के दौरान जहां जहां कदम रखते पर्वत और सागरों सहित पूरी धरती कंप कंपाती और हिलती डुलती प्रतीत होती थी। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनके शरीर में आनंद के विविध दिव्य विकार उत्पन्न हो उठे। कभी वे स्तब्ध जैसे हो जाते थे, कभी उनके रोम रोम खड़े हो जाते थे, कभी वे पसीना बहाते थे, रोते थे, कांपते थे और रंग बदलते थे, कभी असहायता, गर्व, उल्लास और विनम्रता के लक्षण दिखाते थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए जोर से गिरते थे तो वे जमीन पर लौटते रहते थे। उस समय ऐसा लगता था मानो कोई सोने का पर्वत धरती पर लुढ़क रहा हो। जब नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को इस तरह इधर उधर दौड़ते देखा तो उन्होंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अद्वैत आचार्य भगवान के पीछे पीछे चलते और जोर जोर से हरि बोल का जाप करते। महाप्रभु के नजदीक भीड़ न आने पाए इसीलिए भक्तों ने तीन घेरे बना दिए थे। पहले घेरे का संचालन नित्यानंद प्रभु कर रहे थे जो स्वयं बलराम यानी महाशक्ति के स्वामी हैं। काशीश्वर और गोविंद के नेतृत्व में सभी भक्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर भगवान के चारों ओर दूसरा घेरा बना लिया। महाराज प्रतापरुद्र और उनके खास लोगों ने दोनों अंदरूनी वर्तुलों के चारों ओर एक और तीसरा वर्तुल इसलिए बनाया ताकि भीड़ ज्यादा करीब न आ सके। अपने हाथों को हरिचंदन के कंधों पर रखकर राजा प्रतापरुद्र ने नृत्य करते हुए महाप्रभु का दर्शन किया और इससे वे अत्यधिक भाव विभोर हो गए। जब राजा नाच देख रहे थे उस समय उनके समक्ष खड़े श्रीवास ठाकुर को जब महाप्रभु के नाचते देखते हुए उनकी भावात्मक स्थिति बदल गई। श्रीवास ठाकुर को राजा के सामने खड़ा देखकर हरिचंदन ने उन्हें हाथ लगाकर एक ओर हट जाने का अनुरोध किया। श्री चैतन्य महाप्रभु को नृत्य करते देख पूर्ण रूप से तल्लीन होने के कारण श्रीवास ठाकुर समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें बार बार धक्का क्यों दिया जा रहा है। बार बार धक्का मिलने पर उन्हें गुस्सा आ गया। श्रीवास ठाकुर ने हरिचंदन को धक्का न देने के लिए झापड़ मारा जिससे हरिचंदन क्रोधित हो गया। जब क्रोधित हरिचंदन श्रीवास ठाकुर से कुछ बोलने ही वाले थे तभी स्वयं प्रतापरुद्र महाराज ने उन्हें टोक डाला। राजा प्रतापरुद्र बोले, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि श्रीवास ठाकुर ने तुम्हें अपने स्पर्श से धन्य कर दिया है। मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूँ, तुम्हें उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के नृत्य को देखकर हर कोई विस्मय में था, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ भी उन्हें देखकर अति प्रसन्न थे। उनका रथ पूरी तरह से स्थिर हो गया और जब तक जगन्नाथ जी ने अनिमेष नेत्रों से श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखा तब तक रथ अपनी जगह पर ही खड़ा रहा। देवी सुभद्रा और भगवान बलराम के हृदय आनंद के उमड़ते समुद्र से सराबोर हो गए थे। नृत्य को देख वे अनायास ही मुस्कुराने लगे थे। जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे और ऊंची छलांग लगा रहे थे तब उनके शरीर में 8 अद्भुत सात्विक भाव प्रकट हुए। ये सारे लक्षण एक ही समय में देखे जा सकते थे।
उनके शरीर में ऐसा सिहरन हुई कि रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनकी चमड़ी पर फोड़े फूट निकले हों। उनका शरीर कांटों से ढका हुआ था, बिल्कुल सैमल के वृक्ष की तरह। वास्तव में लोगों को तो उनके दांतों को कटकटाते देखकर ही डर लग जाता था, और वे यहां तक सोच लिया करते थे कि कहीं उनके दांत गिर ही न जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरे शरीर से पसीना बह रहा था और उसी समय खून भी निकल रहा था। वे भाव विभोर होकर जज गग की ध्वनि निकाल रहे थे। प्रभु जी की आंखों से अश्रु अत्यंत वेग से निकल रहे थे, मानो किसी पंप से जल निकल रहा हो। देखते ही देखते उनके आसपास खड़े हुए लोगों के वस्त्र भींग गए। सब लोगों ने देखा कि उनके शरीर का रंग गोरे से गुलाबी हो गया था, जिससे उनकी देह की कांति मल्लिका फूल के समान लग रही थी। कभी वे स्तब्ध होकर रह जाते और कभी भूमि पर लौटने लगते। वास्तव में कभी कभी उनके हाथ और पांव लकड़ी के समान कठोर हो जाते, जिससे वे हिल डुल नहीं सकते थे। जब महाप्रभु गिर जाते तो कभी कभी ऐसा लगता मानो उनकी सांसें रुक गई हों। ये देख भक्तों के प्राण भी क्षीण हो जाते। उनकी आंखों से कभी पानी बहता और कभी कभी नाक से भी। उनके मुंह से झाग गिरता। ऐसा लगता मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह चली हों। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह से जो फेन गिरा था उसे शुभानंद ने पिया, क्योंकि वो बड़े भाग्यशाली थे और कृष्ण के अनन्य प्रेम रस का आनंद लेने में निपुण थे। कुछ समय तक ऐसा भयंकर नृत्य करने के उपरांत महाप्रभु का चित प्रेम भाव में तल्लीन हो गया। नाच को छोड़ने के बाद भगवान ने स्वरूप दामोदर को गाने का आदेश दिया। उनके मन की बात समझते हुए स्वरूप दामोदर ने इस प्रकार गाना शुरू किया। अब मुझे अपने जीवन के स्वामी मिल गए हैं, जिनके अभाव में कामदेव द्वारा मैं तड़प रही थी और मुरझा रही थी। जब स्वरूप दामोदर जोर जोर से गा रहे थे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से दिव्य आनंद में मग्न होकर ताल पर नृत्य करने लगे। श्री जगन्नाथ जी का रथ धीरे धीरे चलने लगा और माता शची के पुत्र आगे बढ़कर रथ के सामने नृत्य करने लगे। भक्तगण भगवान जगन्नाथ के सामने नाचते और गाते हुए उनकी ओर ही निहार रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु कीर्तनियों के साथ जुलूस के पिछले सिरे तक गए। चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ भगवान में अपनी दृष्टि और मन को एकाग्र करके अपने दोनों हाथों से गीत का अभिनय करना प्रारंभ किया। गीत का अभिनय करते हुए महाप्रभु जब जुलूस में कुछ पीछे होते तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा रुक जाती थी। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते, भगवान का रथ धीरे धीरे चलने लगता। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और भगवान जगन्नाथ जी में ये देखने की होड़ लगी हुई थी कि कौन आगे बढ़ेगा। परंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि भगवान जगन्नाथ जी को अपने रथ में इंतजार करना पड़ता था। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब उनका भाव बदल गया। उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और जोर से यह पद सुनाना शुरू किया। जो व्यक्ति युवावस्था में मेरा हृदय ले गया था, अब फिर से वही मेरा अधिपति है। ये वही चैत्र महीने की चांदनी रातें हैं। मालती के फूलों की वही खुशबू है और कदम के जंगल से वही सुगंधित हवाएं बह रही हैं। हमारे करीबी रिश्ते में मैं वही प्रेमिका हूँ, फिर भी मेरा मन यहाँ सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के किनारे वेतसी के पेड़ के नीचे उस जगह पर वापस जाना चाहती हूँ। यही मेरी तीव्र इच्छा है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को बार बार पढ़ रहे थे, लेकिन स्वरूप दामोदर को छोड़कर इसका अर्थ किसी और को समझ नहीं आ रहा था। मैंने इस श्लोक की व्याख्या पहले ही कर दी है, अब मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। पूर्व में जब भी वृंदावन की समस्त गोपियां कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर कृष्ण से मिलती थीं, तो उनका हृदय आनंद से झूम उठता था। समान रूप से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों के आनंद में डूब गए। इस आनंद के कारण उन्होंने स्वरूप दामोदर को मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से कहा, आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा रानी। हम फिर से मिल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने अपने जीवन की शुरुआत में मुलाकात की थी। यद्यपि हम दोनों एक ही हैं, फिर भी आज भी मेरा चित वृंदावन धाम की ओर आकर्षित होता है।
मेरी इच्छा है कि तुम फिर से अपने चरण कमलों को वृंदावन में पधारो। कुरुक्षेत्र में जनता की भीड़, हाथियों और घोड़ों की मौजूदगी और रथों की घरघराहट है, लेकिन वृंदावन में फूलों के बाग हैं, जहां मधुमक्खियों की गुंजार और पक्षियों की चहचहाहट सुनी जा सकती है। यहां कुरुक्षेत्र में आप राजसी वेश में हैं और आपके साथ बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन वृंदावन में आप सामान्य ग्वाल बाल की तरह केवल अपनी सुंदर मुरली लिए प्रकट हुए थे। यहां पर उस सुख के सागर की एक बूंद भी नहीं है जिसका आनंद मैं वृंदावन में तुम्हारे संग लेती थी। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप वृंदावन आएं और मेरे साथ लीलाएं करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने श्रीमद् भागवत से श्रीमती राधा रानी के वचनों का पहले ही सारांश दे दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस भावोन्मेष भरे माहौल में अन्य कई श्लोक सुनाए, किंतु आम लोग उनके भाव को नहीं समझ सके। इन श्लोकों का अर्थ स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे, लेकिन उन्होंने इसे प्रकट नहीं किया, लेकिन श्री रूप गोस्वामी ने इसका अर्थ प्रसारित किया है। नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वो श्लोक बोलना शुरू कर दिया जिसका आनंद उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ किया था। गोपियां इस तरह बोली, हे कमलनाभ, भौतिक संसार के इस गहरे कुएं में गिर चुके लोगों के लिए आपके चरण कमल ही एकमात्र आश्रय हैं। आपके चरणों की पूजा और उनका ध्यान बड़े बड़े योगी और ज्ञानी दार्शनिक करते हैं। हम चाहती हैं कि वही चरण कमल हमारे हृदयों में भी उभरें, हालांकि हम गोपियां घर गृहस्थी के कामों में उलझी हुई सामान्य स्त्रियां ही हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अधिकांश लोगों के मन और हृदय एक होते हैं, लेकिन मेरा मन तो हमेशा वृंदावन में ही लगा रहता है, इसलिए मैं अपने मन और वृंदावन को एक ही मानती हूँ। मेरा मन पहले से ही वृंदावन है, और चूंकि आपको वृंदावन बहुत पसंद है तो कृपा करके आप अपने चरण कमल वहां रखेंगे क्या? मैं इसे आपकी पूरी कृपा मानूंगी। प्रभु, कृपया मेरी ये सच्ची प्रार्थना सुनो। मैं वृंदावन में रहती हूँ और वहीं मैं आपका सान्निध्य चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे आपका सान्निध्य नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन बहुत कष्टपूर्ण हो जाएगा। हे कृष्ण, जब तुम पहले मथुरा में रह रहे थे तब तुमने मुझे योग और ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था। अब तुम खुद वही बात कह रहे हो, लेकिन मेरा मन इसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए कोई जगह नहीं है। यद्यपि तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, फिर भी ज्ञान योग और ध्यान योग का उपदेश दे रहे हो। ऐसा करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं अपनी चेतना को आपसे हटाकर सांसारिक कार्यों में लगाना चाहती हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी ऐसा नहीं कर पाती हूँ। मेरा स्वभाव ही आपकी ओर आकर्षित है, इसलिए आपका यह उपदेश कि मैं आपका ध्यान करूँ मुझे बिल्कुल हास्यास्पद लगता है। इस तरह आप मुझे मार रहे हैं। आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप मुझे अपने उपदेशों का पात्र समझें। गोपियां उन योगियों जैसी नहीं है। आपकी कमल सी चरणों का ध्यान करने और तथाकथित योगियों का अनुकरण करने से वे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगी। गोपियों को ध्यान की शिक्षा देना एक तरह का छल है। उन्हें जब योगाभ्यास करने को कहा जाता है तो वे एक रत्ती भर भी संतुष्ट नहीं होती। इसके विपरीत वे और भी अधिक आपसे क्रोधित हो जाती हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, गोपियां अलगाव के विशाल समुद्र में गिर गई हैं और उन्हें आपकी सेवा करने की महत्वाकांक्षा की तिमिंगिला मछलियां निगल रही हैं। गोपियों को शुद्ध भक्त होने के नाते इन तिमिंगिला मछलियों से बचाया जाना चाहिए। उन्हें जीवन की भौतिक अवधारणा नहीं है तो उन्हें मुक्ति की आकांक्षा क्यों करनी चाहिए? गोपियों को वो मुक्ति नहीं चाहिए जो योगियों और ज्ञानियों द्वारा इच्छित है, क्योंकि वे पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त हैं। यह अद्भुत है कि आपने वृंदावन की भूमि को भुला दिया है। और यह कैसे हो सकता है कि आप अपने पिता, माता और मित्रों को भूल गए? आपने गोवर्धन पर्वत, यमुना तट और उस वन को जहां आपने रासलीला नृत्य का आनंद लिया था, उसे किस प्रकार भुला दिया? हे कृष्ण, तुम सारे गुणों वाले बहुत ही सलीकेदार सज्जन व्यक्ति हो। तुम अच्छे व्यवहार वाले, कोमल हृदय वाले और दयालु हो। मैं जानती हूँ कि तुम में जरा भी दोष नहीं है, फिर भी तुम्हारा मन व्रजवासियों का नाम तक नहीं लेता। ये तो बस मेरा दुर्भाग्य है और कुछ नहीं। मुझे अपनी निजी वेदना की परवाह नहीं है,
किंतु जब मैं माँ यशोदा का उदासी भरा चेहरा और आपके कारण संपूर्ण वृंदावन वासियों के टूटे हुए हृदयों को देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं आप उन सबको मारना नहीं चाहते, या फिर आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप उन्हें इस कष्टमय स्थिति में क्यों जिंदा रखना चाहते हैं? वृंदावनवासी आपको न तो राजकुमार के वेश में देखना चाहते हैं और न ही वे ये चाहते हैं कि आप किसी अनजाने देश में महायोद्धाओं की संगति करें। वे वृंदावन की भूमि को छोड़ नहीं सकते और आपकी उपस्थिति के बिना वे सब मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी क्या हालत होगी? हे कृष्ण, आप वृंदावन धाम की जान और आत्मा हो, विशेष तौर से आप नंद महाराज की जिंदगी हो। वृंदावन की धरती पर आप ही एकमात्र धन दौलत हो और आप बहुत ही कृपालु हो। कृपा करके आओ और वृंदावन के सभी रहने वालों को जीवन दो। मेहरबानी करके वृंदावन में दोबारा अपने चरण रखो। श्रीमती राधा रानी के कथन सुनकर भगवान कृष्ण के मन में वृंदावन वासियों के प्रति प्रेम जागृत हो आया और उनका शरीर तथा मन व्याकुल होने लगा। उनके प्रेम की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि वे वृंदावन वासियों के सदैव ऋणी हैं। तब कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी को निम्न प्रकार से समझाना शुरू किया। प्रिय श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सचमुच बहुत दुखी हूँ। मैं तुम समेत वृंदावन के सभी निवासियों को याद करके दिन रात रोता रहता हूँ। कोई नहीं जानता कि इससे मैं कितना दुखी हो जाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, वृंदावन धाम के सभी निवासी, मेरे माता पिता, ग्वाला साथी और अन्य सभी मेरे प्राणों के समान हैं। वृंदावन के सभी निवासियों में से गोपियां मेरे प्राण के समान हैं और गोपियों में, हे राधा रानी, आप मुख्य हैं, इसीलिए आप मेरे जीवन का भी जीवन है। हे श्रीमती राधा रानी, मैं तुम सबके प्रेम के अधीन हूँ। मैं तो एकमात्र तुम्हारे वश में हूँ। तुमसे मेरा विछोह तथा दूसरे दूर स्थान में मेरा रहना मेरे बुरे भाग्य के कारण ही हुआ है। जब किसी स्त्री को उसके मनचाही पुरुष से अलग कर दिया जाता है या किसी पुरुष को उसकी प्यारी स्त्री से दूर कर दिया जाता है, तो वे दोनों नहीं रह पाते। ये सच है कि वे दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक की मौत हो जाती है और दूसरे को इसकी खबर मिल जाती है, तो वो भी मर जाता है। इस प्रकार की प्यार करने वाली पवित्र पत्नी और प्रेम करने वाले पति वियोग में एक दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं और अपने निजी सुख की परवाह नहीं करते हैं। वो केवल एक दूसरे के कल्याण की ही कामना करते रहते हैं। ऐसे प्रेमी और प्रेमिका शीघ्र ही फिर से जुड़ जाते हैं। तुम मेरी बहुत ही प्रिय हो और मैं जानता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति में तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। तुम्हें जीवित रखने के लिए मैं नारायण की उपासना करता हूँ। उनकी कृपा से मैं हर दिन वृंदावन आता हूँ और तुम्हारे साथ लीलाओं का आनंद लेता हूँ। फिर मैं द्वारका धाम लौट आता हूँ। इस तरह तुम हमेशा वृंदावन में मेरी उपस्थिति महसूस कर सकती हो। हमारा प्रेम व्यापार इतना शक्तिशाली है क्योंकि मुझे सौभाग्य से नारायण की कृपा प्राप्त है। यह मुझे दूसरों से छिपकर वहां आने की अनुमति देता है। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही मैं सबको दिखाई दे सकूंगा। मैं पहले ही यदुवंश के शरारती राक्षसों का वध कर चुका हूं और कंस और उसके साथियों को भी मार गिराया है। फिर भी दो चार दानव अभी भी जीवित हैं। मैं उनका खात्मा करना चाहता हूं और इसके बाद मैं जल्द ही वृंदावन लौट आऊंगा। इसे तुम निश्चित मान लेना। मैं वृंदावन के निवासियों को अपने शत्रुओं के हमलों से बचाना चाहता हूं। इसीलिए मैं अपने राज्य में रहता हूं। नहीं तो अपने राजसी पद के प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है। मैं राज्य में जो भी पत्नियां, पुत्र और धन रखता हूं, वे सभी यदुओं को प्रसन्न करने के लिए ही हैं। तुम्हारे प्रेम के गुण मुझे हमेशा वृंदावन की ओर खींचते हैं। वे 10-20 दिन में अवश्य ही मुझे बुला लेंगे और जब मैं लौटूंगा तो रात दिन तुम और व्रजभूमि की सभी गोपियों के साथ आनंद करूंगा। श्रीमती राधा रानी से बातचीत करते समय कृष्ण वृंदावन वापस लौट आने को लेकर काफी उत्सुक हो उठे थे। उन्होंने राधा रानी को एक ऐसा श्लोक सुनाया जिससे उनके, राधा रानी के सारे कष्ट दूर हो गए और ये आश्वासन मिला कि उन्हें फिर से श्री कृष्ण मिल जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे पाने का एकमात्र रास्ता है, मेरी भक्ति करो। अरे गोपियों, सौभाग्य की वजह से तुम लोगों ने मेरे लिए जो प्यार और लगाव हासिल कर रखा है, उसी की वजह से मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ।
श्री चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे में स्वरूप दामोदर जी के साथ बैठकर दिन रात इन श्लोकों का आनंद लिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण भाव विभोर होकर नाच रहे थे। जगन्नाथ के मुख का दर्शन करते हुए वे नृत्य कर रहे थे और इन श्लोकों को बोल रहे थे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के भाग्य का वर्णन करना असंभव है, क्योंकि वे हर समय अपने शरीर, मन और वाणी से प्रभु की सेवा में लीन रहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की इंद्रियां स्वरूप की इंद्रियों से एक रूप थीं। इसलिए जब स्वरूप दामोदर गाते थे तो चैतन्य महाप्रभु उनके गायन का आनंद लेते हुए पूरी तरह से तल्लीन हो जाते थे। कभी कभार भावनाओं के वेग में चैतन्य महाप्रभु जमीन पर बैठ जाते थे और नीचे देखते हुए अपनी अंगुली से जमीन पर लिखते रहते थे। ये सोचकर कि इस तरह लगातार अंगुली से लिखते रहने से महाप्रभु को नुकसान पहुंच सकता है, स्वरूप दामोदर जी ने अपने हाथ से उन्हें रोक दिया। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव के अनुसार ही गाया करते थे। जब भी महाप्रभु किसी खास रस का आनंद ले रहे होते, स्वरूप दामोदर उसे गाकर मूर्त रूप दे देते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के खूबसूरत कमल जैसे चेहरे और आंखों के दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ माला से आभूषित थे, सुंदर वस्त्र पहने थे और आकर्षक आभूषणों से सजे थे। उनका चेहरा सूरज की किरणों से चमक रहा था और पूरा वातावरण सुगंधित था। श्री चैतन्य महाप्रभु के हृदय में अलौकिक सुख का समुद्र उमड़ रहा था और उनकी उन्मत्तता के लक्षण तुरंत आंधी की तरह तीव्र हो गए। दिव्य आनंद की उन्मादता से विभिन्न प्रकार की भावनाओं की लहरें उठीं। ये भाव एक दूसरे से जूझने वाले सैनिकों जैसे लग रहे थे। सभी प्रकार के स्वाभाविक भावों के लक्षणों में वृद्धि हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भावों का उदय, शांतिपूर्ण भाव, मिले जुले भाव, जुड़े हुए भाव, दिव्य भाव तथा स्थायी भाव देखे गए, साथ ही भावनाओं की प्रबलता भी देखी गई। श्री चैतन्य महाप्रभु का शरीर एक दिव्य हिमालय पर्वत की तरह लग रहा था, जिस पर भावनाओं के फूलों से लदे वृक्ष लगे हुए थे और वे सभी खिले हुए थे। इन सारे लक्षणों के देखते ही हर किसी का मन और चित्त आकर्षित हो रहा था। दरअसल महाप्रभु ने हर किसी के मन को दिव्य भगवत प्रेम रूपी अमृत से सींच दिया था। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों, सरकारी अफसरों, उन तीर्थयात्रियों जो दूर दूर से यात्रा करके दर्शन के लिए आते थे, सामान्य जनता और जगन्नाथपुरी के सभी लोगों के मन में आस्था का बीज बो दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्भुत नृत्य को देखकर लोग सारे चकित हो गए। उनके हृदय में कृष्ण भक्ति का अनोखा प्रेम उमड़ पड़ा। सभी ने प्यार के वशीभूत होकर नृत्य किया और जप किया और एक महान शोर की गूंज हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर हर कोई अलौकिक आनंद से अभिभूत हो गया। अन्य सभी को तो छोड़ ही दीजिए, स्वयं भगवान जगन्नाथ और भगवान बलराम भी श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और धीरे धीरे चलने लगे। प्रभु जगन्नाथ और प्रभु बलराम कभी कभी रथ रोक देते और आनंद से प्रभु चैतन्य के नृत्य को निहारते। जो भी उन्हें रथ रोककर नृत्य देखते देख सका, उसने उनकी लीलाओं का साक्षात दर्शन किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच और भ्रमण कर रहे थे, तब वे महाराज प्रतापरुद्र के चरणों में गिर पड़े। महाराजा प्रतापरुद्र ने अत्यंत आदर के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को उठाया, परंतु राजा को देखते ही प्रभु को बाह्य चेतना आ गई। राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को ये कहते हुए धिक्कारा, हाय, कितने दुख की बात है कि मैंने ऐसे पुरुष का स्पर्श किया जो संसार के मामलों में मग्न है। जब चैतन्य महाप्रभु गिर पड़े, तब नित्यानंद जी महाराज उनकी सुध नहीं ले सके और न ही काशीश्वर जी या गोविंद जी। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा के व्यवहार से संतुष्ट हो गए थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए एक झाड़ू लगाने वाले की सेवा स्वीकार कर ली थी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वास्तव में राजा से मिलना चाहते थे, परंतु अपने निजी संगियों को सावधान करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से क्रोध प्रकट किया। जब महाप्रभु ने बाहरी क्रोध दिखाया तो राजा प्रतापरुद्र भयभीत हो गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को आश्वासन दिया कि आप चिंता न करें। सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा को बताया, प्रभु आपसे अति प्रसन्न है,
उन्होंने आपको उदाहरण के तौर पर दिखाते हुए अपने निकट सहयोगियों को सिखाया है कि सांसारिक व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, मैं सही मौका पाकर तुम्हारा निवेदन प्रस्तुत करूंगा। उसके बाद तुम्हारे लिए यहां आकर महाप्रभु से मिलना आसान हो जाएगा। जगन्नाथ जी की परिक्रमा करने के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने मस्तक से रथ को धकेलने लगे। उनके धक्का लगाते ही रथ घर घर की आवाज के साथ चल पड़ा। चारों ओर से लोग भगवान का पवित्र नाम हरि हरि बोलने लगे। जैसे ही रथ चल पड़ा, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों को भगवान बलराम और लक्ष्मी स्वरूपा सुभद्रा के रथों के आगे ले गए। वे बहुत प्रेरित हुए और उनके सामने नाचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलदेव जी और सुभद्रा के सामने नृत्य समाप्त करने के बाद भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने आकर उन्हें देखकर फिर से नृत्य करना शुरू कर दिया। जब वे बलगंडी नामक जगह पर पहुंचे तो प्रभु जगन्नाथ ने अपनी रथ यात्रा रोक दी और इधर उधर देखने लगे। भगवान जगन्नाथ ने बाईं तरफ ब्राह्मणों का बस्ती और एक नारियल पेड़ों का समूह देखा। दाईं ओर उन्होंने बहुत ही सुंदर फूलों से भरा उद्यान देखा, जो ठीक वैसे ही थे जैसे वृंदावन में होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों सहित रथ के आगे नाच रहे थे और भगवान जगन्नाथ रथ को रोककर उनके नाच का आनंद ले रहे थे। भगवान को विप्रशासन में भोजन समर्पित करना रीति थी। वाकई उनके लिए असंख्य व्यंजन बनाए गए थे और जगन्नाथ जी ने हर एक का स्वाद लिया। भगवान जगन्नाथ के सभी प्रकार के भक्तों ने, चाहे वे नए भक्त हों या फिर उन्नत भक्त हों, उन्होंने अपना सर्वोत्तम पका हुआ भोजन भगवान को अर्पित किया। इन भक्तों में राजा, उनकी रानियां, उनके मंत्री और मित्र तथा जगन्नाथपुरी के सभी छोटे बड़े निवासी शामिल थे। विभिन्न देशों से जगन्नाथपुरी आए सभी यात्रियों और स्थानीय भक्तों ने स्वयं के हाथों से पकाया हुआ भोजन भगवान को अर्पित किया। भक्तों ने रथ के आगे पीछे दोनों तरफ और फूलों के बगीचे के अंदर हर जगह अपना भोजन चढ़ाया। जहां जहां संभव था उन्होंने भगवान को अपना भोग अर्पित किया, क्योंकि इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं था। भोजन अर्पित करने के समय बहुत अधिक लोग इकट्ठा हो गए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना नृत्य रोक दिया और पास के बगीचे में चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु बगीचे में प्रवेश कर गए और प्रेम भावनाओं में डूबकर वहां एक ऊंचे चबूतरे पर लेट गए। प्रभु जी नाचते नाचते बहुत थक गए थे और उनके पूरे शरीर पर पसीना आ गया था, इसलिए उन्होंने बगीचे की खुशबूदार और ठंडी हवा का आनंद लिया। संकीर्तन करने वाले सभी भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्षों के नीचे विश्राम लिया। इस प्रकार मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए भव्य कीर्तन का वर्णन किया है। उन्होंने जगन्नाथ जी के समक्ष नृत्य किया था। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी प्रसिद्ध स्तुति चैतन्यष्टक में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी के रथ के सामने नृत्य करने का स्पष्ट वर्णन किया है। मुख्य मार्ग पर रथ पर विराजमान नीलाचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ के समक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रसन्नता पूर्वक नृत्य किया। नृत्य करने के दिव्य आनंद से अभिभूत होकर और नामोचार करने वाले वैष्णवों से घिरे, उन्होंने उत्कट भगवत प्रेम की लहरें प्रकट की। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु कब फिर से मेरे दृष्टिगोचर होंगे? जो भी रथयात्रा के इस वर्णन को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति होगी। उसे वो श्रेष्ठ स्थिति भी प्राप्त होगी जिससे उसे भगवत भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम में दृढ़ विश्वास हो जाएगा। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और उनकी दया की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरणों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।